कांकेर, औषधीय गुणों से भरपूर काले चावल की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाएगी। कृषि विभाग धान की विलुप्ति हो रही देसी किस्मों को बचाने में किसानों का सहयोग कर रहा है। इस बार कई किसानों को काले चावल का बीज दिया गया, साथ ही तकनीकी जानकारी भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के किसान शैलेश नागवंशी ने इस बार एक एकड़ में काले चावल की खेती की। वो बताते हैं, इस बार हम लोग ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं, जो बहुत ही फायदेमंद होता है, कई सारी बीमारियों से हमें बचाता है। अभी तक हम इस धान के बारे में सिर्फ सुनते थे, इस बार मौका मिला, किसी भाग की तरफ से ब्लैक राइस का बीज मिला, हमें भी लगा कि कुछ नया करना चाहिए, इसलिए हमने अभी इसे लगाया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, बलरामपुर, बीजापुर, बिलासपुर, दांतेवाड़ा, धामतारी, जासपुर, कांकेर, कबदरहा, कोरिया, नारायणपुर, राजनंदगांव, सरगुजा जैसे जिलों में धान की अच्छी खेती है। यहाँ की मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। पूरे प्रदेश का ज़्यादातर धान का उत्पादन इन्हीं जिलों में होता है। कई जिलों में तो साल में दो बार धान की खेती होती है। शैलेश नागवंशी आगे बताते हैं कि कृषि विभाग की तरफ से हमें बीज के साथ जैविक खाद, दवाई छिड़कने का स्प्रेयर भी मिला है। यही नहीं, किसी विशेषज्ञों का तकनीकी सहयोग भी पूरा मिल रहा है। जैसे जैसे वो हमें बता रहे हैं, उसी तरह हम पूरी खेती कर रहे हैं। अभी एक एकड़ में ब्लैक राइस लगाया है, पहली बार है। अगर अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो आगे और भी लगाएंगे। छत्तीसगढ़ में पुराने समय से ही काले चावल की तुलसी घाटी, गुड़मा धान, मरहन धान जैसी कई पुरानी किस्मों की खेती होती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हाइब्रिड धान के आ जाने से देसी किस्में विलुप्त हो कर रह गई। कृषि विभाग ऐसी ही पुरानी किस्मों को सहेजने और किसानों को धान की खासियतें बताने में जुट गया है। इस बार कांकेर जिले में 10 एकड़ में इसकी खेती की जा रही है। आने वाले समय में इसका रकबा और भी बढ़ जाएगा। किसी अधिकारियों के अनुसार काले चावल की अच्छी कीमत होने से किसानों को इनका मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। कांकेर जिले के किसी अधिकारी ने बताया कि कांकेर जिले में हम पहली बार ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं। ये खेती पूरी तरह से जैविक तरीके से की जा रही है। तो हम परंपरागत खेती करते थे, ये उसी का एक रूप है। आजकल तो जो भी खेती करता है उसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है, बिना फर्टिलाइजर का तो धान होता ही नहीं है। लेकिन हमें इसमें हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि हम पूरी तरह से जैविक तरीके से ही खेती करें। ये चावल खाने में बहुत ही बढ़िया होता है। ये बस्तर की चावल की किस्म है, इसे हम बढ़ावा दे रहे हैं। किसानों की खेती में भी श्री विधि पद्धति से काले धान का बीज का रोपण कर किसानों को प्रोत्साहित कर इसका फायदा बताते हुए रसायन मुक्त खेती करने की सलाह दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में करीब 43 लाख किसान परिवार हैं, जो धान यहाँ की मुख्य फसल है। ये लगभग 3.7 मिलियन हेक्टर में धान की खेती यहाँ पर होती है। इसमें ज़्यादातर खेती वर्षा जल पर आधारित होती है। जी भैया, बताएं आपको ये ब्लैक राइस खेती कर रहे हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? अब वो सुने हैं सर कि ब्लैक राइस जो धान का जो चावल उसमें दवाई का रूप होता है, जिसको बहुत सारी बीमारियों का रोकथाम होता है, ऐसा करके जी। तो हम सुने भर थे और इस बार मौका मिला, ब्लैक राइस धान का बीज मिला कृषि विभाग की ओर से, तो हमने नया है करके उसमें लगाए हैं। अच्छा, और कैसे मतलब विभाग तरफ से किस प्रकार से सहयोग मिला आपको? उनके तरफ से बीज मिला है और खाद मिला, जैविक खाद जी। और एक जो दवाई छिड़कने का स्प्रेयर है वो मिला, और उन लोगों का जो तकनीकी सहयोग जो है पूरा मिल रहा है। जैसे जैसे वो लोग पूरा तकनीकी बता रहे हैं, बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे लगाते जा रहे हैं। कितने एकड़ में आप ये ब्लैक राइस को लगाया? एक एकड़ में लगाया हूँ मैं। एक एकड़ में लगाया, पहली बार है। अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो सभी में लगाएंगे। पहली बार है जी। और आप कब से किसान? अब हम तो किसान तो बचपन से कर रहे हैं सर, अब तो जी। और ये पहली बार आप ब्लैक राइस? हाँ हाँ, ये पहली बार है आपका ब्लैक राइस का? पहली बार है जी जी। और अधिकारी लोगों का सहयोग है? सहयोग है पूरा जी। क्या नाम लिखते हैं आप? शैलेंद्र नागवंशी। शैलेंद्र नागवंशी, डुमाली। डुमाली जी, किसान है जी।
सर। हाँ जी सर, बताएं ये खेती के ब्लैक राइस के बारे में। ब्लैक राइस में ये है कि हमारा जो कांकेर जिला है उसमें हम लोग पहली बार ये ब्लैक राइस का उपयोग कर रहे हैं। अब ये हमारा पूरा जैविक है, जो हम पुराना खेती करते थे परंपरागत खेती हमारी, उसी का ये एक रूप है। और आज के में तो अधिकतर जो भी हम खेती कर रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग होता है, बिना फर्टिलाइजर के धान होता ही नहीं। इसमें हम लोग कोशिश ये रहे कि हम लोग पूरा जैविक का उपयोग करेंगे और किसान के लिए, हमारे जो खाने वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है ये। कितने जगह ये खेती किया जा रहा है? ये हमारे यहाँ जिला में 7 जगह है। 7 जगह में? 7 जगह। क्या फायदे हैं इसके? इसके फायदा ये है कि हमारा जो अपन जो केमिकल खा के ना, आज हम स्लो पॉइजन ले रहे हैं डेली, कोई भी खा रहा है तो कहीं ना कहीं केमिकल का उपयोग हो रहा है। इसमें नॉन केमिकल रहेगा, इसमें केमिकल का उपयोग ही नहीं है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक रहेगा। क्या ये बस्तर का है खेती है? ये हमारा पुराना परंपरागत है, और ये कहा जाए कि जो पुराना था ये बस्तर का ही है कहा जाए, और जो इसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ पे हमारे कांकेर जिला पे। क्या फायदे हैं, मतलब किस प्रकार फायदे हैं? फायदा में ये है कि अगर मान लीजिए इसका हम लोग चावल के रूप में ले दूसरा, तो इसको हम लोग जैसे बाजार में बेचते हैं तो जैविक के नाम में ब्लैक राइस के नाम में हम 80-90 रुपया तक हमारा किलो जाता है उधर। और ये कहाँ से आया है? ये इसको कहाँ से लाए दोस्त? गांधी कृषि विश्वविद्यालय, तो इसको कहा हम लोग रिसर्च के रूप में, मतलब कहा ना जाए इसको प्रदर्शन के रूप में या फैलाने के रूप में, उसमें लार्ज स्केल में नहीं डाले, 60 में है हमारा, और इसको लार्ज स्केल में करेंगे भविष्य में। क्या नाम लिखते हैं पूरे? मैं विश्वेश्वर मिश्रा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कांकेर। प्राइस लगा रहे हैं, क्या महत्व है इसका स्वास्थ्य को लेकर, और क्या है सारी चीजें? मतलब ब्लैक राइस औषधि धान का पौधा है, इसका चावल आप देखेंगे बिल्कुल काला रहता है, इसमें औषधि गुण है, शुगर बीपी, इसके साथ हमारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कैंसर में भी ये उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अभी इसका ने अनुसंधान चल रहा है, अभी पूरा अनुसंधान नहीं हुआ है, और इसलिए इसकी मांग धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। लेकिन पहला वर्ष है हमारे कांकेर ज़िले में ब्लैक राइस का खेती करवा रहे हैं। इसका बीज हमने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आत्मा योजना अंतर्गत 5 विकास खंडों में 2-2 प्रदर्शन एक एक एकड़ कर लिए हैं, और भविष्य में इसकी मांग को देखते हुए, औषधि गुण को देखते हुए ऐसे लग रहा है भविष्य में इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में इकलौता अभी है हमारा ही जिला है कांकेर जिला, जो कि ब्लैक राइस का प्रदर्शन किसानों के यहाँ डलवा रहे हैं। इसके साथ साथ धीरे धीरे इसका क्षेत्र विस्तार के लिए भी विभाग के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर ये कितने कीमत में जो है बाहर बिकता है? अभी जिले के अंदर लगभग इस चावल की कीमत है 60-70 रुपये किलो। अभी इसकी उत्पादन बहुत कम होने के कारण अभी हम इसके चावल को बाहर नहीं भेजे हैं, आने वाले समय में भेजेंगे। 60-70 रुपये जब हमारे लोकल जिला में इसकी कीमत है, तो जिले के बाहर ये लगभग 100 रुपये से अधिक किलो में बिक्री हो सकता है, जिससे किसानों की आमदनी में अच्छी वृद्धि होगी। सर स्वास्थ्य को लेकर जो बता रहे हैं, बीपी में, शुगर में, कैंसर में काम आता है, मैंने खबर पढ़ा था एमपी में इस चावल की कीमत 700 रुपये किलो थी, तो क्या ये बाहर भी इंपोर्ट हो रहा है? एमपी की अभी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे कीमत मिलेगा तो इसको इंपोर्ट के रूप में भी, यानी किसानों के यहाँ पैदावार बढ़ाने के ना पूरा विभाग के द्वारा प्रयास किया जाएगा। सर इसकी बुआई की क्या विधि है? इसके क्या अन्य जो फसल होता है तो इसका बुआई का जो विधि है अलग है? पानी की मात्रा क्या ज़्यादा जरूरत है इसमें? खाद उर्वरक का क्या है इसमें? देसी किस्म का धान है, इसलिए इसको हम इस वर्ष किसानों के यहाँ आत्मा योजना अंतर्गत इसको श्री विधि से इसकी रोपाई करवा रहे हैं। श्री विधि में बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ता है, इसकी वास्तविक उपज 17-18 क्विंटल प्रति एकड़ है, लेकिन इसको हम श्री विधि से इसलिए लगा रहे हैं ताकि किसानों के यहाँ उत्पादन अधिक हो और किसान को उसकी मेहनत का अच्छा भरपूर, मतलब क्या बोलते हैं, आमदनी मिल सके। सर ये जो ब्लैक राइस है, ये क्या बस्तर का ये पारंपरिक बीज है जो यहाँ के जो आम मूल निवासी हैं
वो क्या उत्पादन करते थे पहले इसको? हाँ, बस्तर कई पारंपरिक है, बहुत पुराना बीज है धान का, बहुत पहले से करते आ रहे हैं इसकी खेती। सर, जो सरकार की नरवा घरवा योजना चल रही है, उसमें क्या इस योजना को जोड़ा गया है? हाँ, शासन का वर्तमान में नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी जो योजना है, इसी के तहत हमने पूरा प्रयास किया है गोठान ग्रामों में ही इसका प्रदर्शन लगाया जाए, ताकि अच्छी से यानी विभाग के कर्मचारी भी समय समय पर जाके उसकी देखरेख कर सकें, और किसानों की समय समय पर उसमें लगने वाले कीट व्याधि है, उनमें खाद दवाइयां हैं, वो समय पर हम जाके किसानों को सलाह दे करके कीट व्याधि से भी उस फसल का बचाव कर सके, इसलिए गोठान गाँव का चयन किया गया है। सर, उत्तर बस्तर में अभी कितने जगहों और कितने एकड़ों में इसका उत्पादन है? उत्तर बस्तर जिला कांकेर में अभी हमारे 5 ब्लॉकों में प्रति ब्लॉक 2-2 प्रदर्शन डाले हैं, कुल हमारा प्रदर्शन है 10 एकड़ का। अच्छा, कौन कौन से जगहों में हो रहा है? ये है हमारा विकासखंड कांकेर, नरहरपुर, भानु प्रतापपुर, ध्रुव कुंदल, चारामा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार नागेश।